आपके यहाँ बैठे हुए हैं, तब से कई बार अब तक एलजी ऑफिस से और आईएएस अधिकारियों की यूनियन की तरफ से प्रेस रिलीज आ रहे हैं, और उसके अंदर मजेदार बात ये है कि एलजी ऑफिस और आईएएस एसोसिएशन की प्रेस रिलीज जो है वो लगभग समांतर है। ऐसा लग रहा है कि खुद अनिल बैजल आईएएस अफसरों की प्रेस रिलीज आ रहे हैं और अपने कार्यालय की भी प्रेस रिलीज। हालांकि अनिल बैजल पुराने बाबू रहे हैं, मगर प्रेस रिलीज भी अनिल बैजल ही बनाएंगे, इसका हम विश्वास करते हैं। बार बार आईएएस अफसर एक बात को दोहरा रहे हैं कि हम काम पे नहीं आएंगे, मगर हम स्ट्राइक पे नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि आईएएस अफसरों की जो कोड ऑफ कंडक्ट, इसके अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है आईएएस अधिकारी एक दिन तो बहुत दूर की बात है, एक घंटे के लिए ही हड़ताल पे नहीं जा सकते। और इस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर रूल नंबर 7 डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स, इसके अंदर भारत सरकार के ऑर्डर्स हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है ना सिर्फ काम पे ना आना, इसके अंदर सारी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसमें बताया गया है कि सिर्फ उस चीज को ही हड़ताल में नहीं कहा जाएगा, थोड़ा बाहर हो अधिकारी दफ्तर ना आए, पेन डाउन स्ट्राइक, यहाँ तक कि गो स्लो स्ट्राइक, मतलब कि जब अधिकारी ये कह देंगे कि थोड़ा धीरे चलेंगे, थोड़ा धीरे काम करेंगे, उसको भी भारत सरकार के कानून में लिखा है, ऑर्डर में लिखा है कि वो स्ट्राइक की डेफिनेशन में, यानी कि हड़ताल की परिभाषा में आता है। कहने का मतलब ये है कि अब तक इन आईएएस अधिकारियों की नौकरी चली जानी चाहिए थी, मगर अभी तक नहीं गई। इसके लिए आईएएस अधिकारियों को बाकायदा शो कॉज नोटिस और मेमो दिए जा चुके हैं, जैसे कि ये शो कॉज नोटिस आईएएस एसोसिएशन की सेक्रेटरी मनीषा सक्सेना जी को दिया गया है, एक और शो कॉज नोटिस मनीषा सक्सेना जी को अपने व्हाट्सएप करने पे दिया गया, जिसमें ना सिर्फ उन्होंने खुद आने से मना किया बल्कि जूनियर अफसरों को भी भड़काया कि आप भी दिल्ली सरकार के कामों में दिलचस्पी ना लें। इसके अलावा एक और है जो मनीषा सक्सेना जी को मेमो दिया गया, मंत्री जी ने दिया है, एक और मेमो है, ये सत्येंद्र जैन ने DSIDC के सेक्रेटरी मोहनजीत सिंह को दिया है, जिसके अंदर उन्होंने अनऑथराइज कॉलोनियों में सड़कों के काम को ठप कर दिया। इस तरीके से दर्जनों मेमो और शो कॉज नोटिस आईएएस अफसरों को दिए जा चुके हैं, यानी कि आईएएस अफसरों को उनके मंत्रियों द्वारा बताया जा चुका है कि आप लोग हमारे आईएएस अफसरों की एसोसिएशन से, एजी साहब से और प्रधानमंत्री कार्यालय से 5 बिल्कुल बेसिक सवाल है। बड़ी बड़ी प्रेस रिलीज देने से अच्छा है कि वो इन 5 सवालों का जवाब सर, क्या ये सच नहीं है कि काम को स्लो करना भी स्ट्राइक की परिभाषा में आता है? सवाल नंबर 1, इज इट नॉट ट्रू दैट स्लोइंग डाउन वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्ट्राइक अंडर आईएएस एंड सीसीएस ऑफिसर्स कंडक्ट? सवाल नंबर 2, मीटिंग्स को बायकॉट करना क्या हड़ताल में नहीं आता है? मीटिंग्स ऑफ द मिनिस्टर नॉट इंक्लूडेड इन द स्ट्राइक? नंबर 3, कोर्ट के आदेश पर भी, हाई कोर्ट के आदेश पर भी अगर अफसर फील्ड इंस्पेक्शन पे नहीं जा रहे हैं तो क्या वो हड़ताल पे नहीं आता? Is it not true that not going to the inspections and the field visits, even on the instructions and directions of High Court, is not under the definition of strike? और तीसरा और बड़ा अहम सवाल, अफसर जब स्ट्राइक पे जाएंगे या कोई भी मिसकंडक्ट करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेने की, कार्रवाई करने की जिम्मेदारी क्या एलजी की नहीं है? Is LG not the disciplinary authority to take action against the officers for misconduct and their conduct against the rules of CCS and IAS?
और पांचवा और सबसे बड़ा सवाल ये है कि मंत्रियों ने और मुख्यमंत्री ने एलजी साहब को कई बार ये बताया, लिखित में शिकायत की कि आईएएस अफसर स्ट्राइक पे है, हड़ताल पे है। चार महीने में एलजी साहब ने अब तक किसी भी अधिकारी के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की? एलजी साहब ये बात बताएं, दिल्ली की जनता को बताएं कि ये काम क्यों नहीं हुआ। अब मैं आतिशी जी से कहूँगा कि वो कुछ उदाहरण रखें कि किस तरीके से आईएएस अफसर ना सिर्फ खुद काम कर रहे हैं बल्कि जूनियर अफसर को भी काम करने से रोक रहे हैं। आईएएस एसोसिएशन की एक प्रेस रिलीज आई यार, तुम आईएएस एसोसिएशन ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा था कि हम स्ट्राइक पर नहीं हैं। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि काम ना करना क्या स्ट्राइक नहीं होती? और अब कई ऐसे उदाहरण सामने आ गए हैं कि जो पिछले 112 दिन जब से आईएएस अफसर स्ट्राइक पर है, तो किस तरह से काम दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से, दिल्ली के आम इंसान की मौत के जो काम है जो रुके हुए हैं। दिल्ली में रहने वाले सब लोगों को पता है कि पिछले कई सालों से सिग्नेचर ब्रिज का काम स्लो चल रहा था। पिछले कुछ महीनों में उसे एक्सपीडाइट करने का 6 महीने में प्रयास किया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जब मंत्री, टूरिज्म मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सिग्नेचर ब्रिज को इंस्पेक्ट करने जाते हैं तो एक भी आईएएस अफसर उनके साथ नहीं जाते। पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी और टूरिज्म की सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी कई महीनों से फाइल खेल रहे हैं। पेमेंट जो जाना है डिपार्टमेंट को जा नहीं रहा। हर हफ्ते एक चिट्ठी लिख के भेज देते हैं कि आज पीडब्ल्यूडी ने चिट्ठी टूरिज्म को भेज दी, टूरिज्म लिख के भेज देता है कि हमने फाइनेंस को भेज दी। मंत्री जब रिव्यू मीटिंग तीनों डिपार्टमेंट्स में बुलाते हैं तो एक भी अफसर नहीं जाता। सिग्नेचर ब्रिज का जो खर्चा रोज रोज बढ़ रहा है उसके पैसा दिल्ली का टैक्स पेयर दे रहा है। इन आईएएस अफसरों को तो हर महीने अपनी तनख्वाह मिल रही है। दूसरी बात, दिल्ली सरकार को कुछ बसेस प्रोक्योर करनी है। हर साल ये चर्चा होती है कि बसेस प्रोक्योरमेंट स्लो चल रहा है। प्रोक्योरमेंट का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचता है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को कई प्रयासों के बावजूद, फोन करने के बावजूद, मैसेज देने के बावजूद, कॉल करने के बावजूद, मीटिंग पे बुलाने के बावजूद, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर दिल्ली हाईकोर्ट में बस प्रोक्योरमेंट में एफिडेविट नहीं फाइल करती। तीसरी बात, दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्रक्रिया शुरू करी है कि हर साल गर्मियों की छुट्टी में स्कूलों को व्हाइट वॉश किया जाएगा।